जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका नाइट ऑल क्लासेस में आज हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि यूपीएससी सीडीएस साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट कराती है ठीक है और उस एग्जाम में उसका पैटर्न क्या है पेपर वन पेपर वन हमारा होता है इंग्लिश के लिए ठीक है और यही साथ ही साथ हमारा पेपर टू होता है सेम डे में ये होता है हमारा जीके एन जी एस से रिलेटेड ठीक है और आ, साथ ही में एक और पेपर होता है वो होता है हमारा पेपर थ्री, ठीक है और जो पेपर थ्री होता है ये हमारा मैथ्स से रिलेटेड होता है ठीक है लेकिन आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर टू, जो कि हमारा जीके एंड जीएस के लिए है ठीक है और हम कौन से ईयर का सॉल्व करेंगे तो हम 2021 का दोनों पेपर सॉल्व करेंगे जो दो बार कंडक्ट होते हैं एग्जाम 1 एग्जाम 2 साथ ही साथ 22 एंड लेटेस्ट 23 का एग्जाम 1 भी हम सॉल्व करेंगे ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सी डी एस एग्जाम वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पीपल्स सेकेंड एन जी एस वाला ठीक है जिसका सबसे पहला क्वेश्चन था द स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर रन दिस इज ड्यू टू एकोमेशन ऑफ तो किसके वजह से होता है तो जब भी हम चलते हैं ठीक है हम हमारी बॉडी रिलैक्स है लेकिन हम अचानक से जब दौड़ने लग जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ये हमने पूरी की पूरी चीजें बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा था यहाँ पे मैंने अ, मेरे चैनल में आपको प्ले मिल जाएगा यूपीएससी सी और एनडीए के लिए ठीक है आप वहां से भी पढ़ सकते हैं तो वहां पर मैंने बायोलॉजी का पूरा चीज कवर करा रखा है ठीक यहाँ पे जो बात हो रही है जब हम अचानक uh, से रन करने लग जाते हैं तो हमारे थाई पे जो हमें पेन या फिर जो क्रैम्स हमें फील होता है ठीक है वो किसकी वजह से होता है तो ऑक्सीजन की कमी से वहां पे बन जाता है लैक्टिक एसिड ठीक है द देन आंसर इज ए लैक्टिक एसिड ओके देन सेकंड अ सेकेंड वाज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड कीप्ड फॉर टू मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग एल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोड इन सोल्यूशन ठीक है यहाँ पे ये यह याद रखना आयोडिन सोल्यूशन वट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीव आफ्टर द टेस्ट तो आ, इसके बाद लीव का कलर क्या हो जाएगा तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट ब्लू ठीक है अगर आ, आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो ये आपको यूपीएससी सीरियस मतलब यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रिंट कर लो या फिर मेरे साथ साथ ओपीमियम लिख सकते हो ठीक है इसके बाद तो हम चलते हैं डायरेक्ट फोर्थ पे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट थ्री है लेकिन वो हमारा नीचे वाली स्लाइड पे आ गया कोई बात नहीं फोर्थ कर लेते पहले फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं विच

प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींगाउंडी बाई एम एम एच ठीक है ब्लड प्रेशर एंड ये क्या चित्रीजेंट करता है हमसे ये पूछा है तो ये याद रखना हमसे वेंटिकुलर कंसेंट कॉन्ट्रेक्शन एंड वेंटिकुलर रिलेक्शन ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है यानी हमारी जो ब्लड प्रेशर की लिमिट है एकदम नॉर्मल है ठीक नेक है नेक्स्ट चलते हैं थर्ड हमारा छोटे थर्ड कर लेते हैं इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड

यहाँ पे हमारे सिक्स तक कवर हो गया दैट सेवन कंसीडर द द द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोफोन एंड स्पीकर ऑफ मोबाइल फोन ठीक है तो यहाँ पे हमसे माइक्रोफोन और मोबाइल जो हमारा स्पीकर होता है उसके बारे में पूछा गया ठीक है चलो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू अ मैकेनिकल सिग्नल ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज वेरी करेक्ट ओके थर्ड कह रहा है द स्पीकर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड ठीक है और फोर्थ हमारा कह रहा है द स्पीकर कन्वर्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड ठीक है तो यहाँ पे हमारी कौन सी चीज सही है तो यहाँ पे हमारा टू एंड फोर स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे डी इज द आंसर ओके नेक्स्ट चलते हैं टेंथ क्वेश्चन द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर इज तो ये हमें पता ही है सी टेन डायो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इलेवन क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द दर तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन uh, के बारे में बात की हुई है ठीक है और इसमें हमें तीन स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ठीक है इन द एयर तो हमें व्हाइट पाउडर देखने को मिलता है यस इट इज करेक्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कम्बर्शन रिएक्शन हाँ ये एकदम सही है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ट एंड लाइट आर प्रोडेड ये भी स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है ठीक तो हमारा आंसर हो जाता है डी नेक्स्ट चलते हैं आ, ये एट छोड़ते हैं डायरेक्ट चलते हैं नाइन पे द एरिया अंडर द वेल सिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन गिफ्ट हमें क्या देता है तो ये याद रखना हमें ये इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट

मल्टीप्लाई ठीक है तो अगर टू सही है तो इससे मैं वन uh, हमारा रॉन्ग है ठीक है अगर मैं चाहूँ एलिमिनेशन से करके देखते हैं एक बार तो हमारा ए कट जाता है और साथ ही साथ डी कट जाता है ठीक है और मुझे ये पता है कि सेकेंड इज द करेक्ट अब मुझे थ्री एंड फोर में से ढूंढना है ओके okay. नेक्स्ट अगर मैं सीधे फोर्थ करती हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेक लाइम इन

पाउडर नाइट्रो ऑक्साइड आर रिलीज विच इज नॉट करेक्ट ठीक है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है साथ ही साथ ये कट गया अब मुझे दिख रहा है कि बी एंड डी में टू तो सेम है और साथ ही साथ फोर भी सेम है तो इसको मैं सिंपल से टिक कर सकती हूँ अब मुझे सिर्फ थ्री स्टेट में देखना है मतलब थर्ड स्टेट में देखना है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो बिल्कुल नहीं ये हमारा रॉन्ग हो जाता है और यहीं से हमें पता चल जाता है डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन द द फॉलोइंग क्लूज अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया तो यहां पे हमें तीन में में स्टेट की बात हो रही है ठीक है और बताना है कि किसकी बात हो रही है सबसे पहला स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स ये हम कहते हैं आसाम को ठीक है सी नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद तेलंगाना ठीक है तो यहाँ पे हमें तेलंगाना को याद रखना और इसके साथ कौन कौन सी हमें स्टेट की बाउंड्री देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड महाराष्ट्र देखने को मिलता है नेक्स्ट चलते हैं अ आ... पहले 14 कर लेते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यहाँ पे कौन सा नहीं है तो यहाँ पे सीधे है ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओके सेवेंटीन क्वेश्चन रानी इन टोल्ड हर फ्रेंड्स डेट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन फोर डिफरेंट डिफरेंटली ठीक है तो फोर डिफरेंट लेक और यहाँ पे लेक के हमें नाम दे रखे थे जैसे कि लोकतक लेक हो गया बारा पानी लेक हो गया ठीक है और ये हमसे पूछे कौन कौन से स्टेट की बात हो रही है यानी कि यहाँ पे हमें डो डबल काम देखने को मिल रहा है कि लोकतक भी है बारा पानी लेक भी है कोलेरू है और पुलिकट है अब इनके साथ साथ मुझे यहाँ पे स्टेट को भी मैच करना है तो ठीक है ये भी कर लेते हैं अगर मैं बोलूँ लोकतक ये हमारा मणिपुर में आता है बारापानी हमारे मेघालय में आता है कोलेहरू हमारा आंध्र प्रदेश में आ रहा है और पुलिकट हमारा तमिलनाडु में आ रहा है देन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट ठीक है तो दो स्टेटमेंट गिवन एंड बताने कौन सा करेक्ट नहीं है नहीं इसमें बताने करेक्ट ठीक है विच इज करेक्ट ओके पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट रीड वो कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है पहली चीज तो याद रखना कभी भी ओनली uh, वर्ड आ जाए ठीक है तो ये uh, ज्यादा चांसेस होता है गलत होने के ठीक है तो ये हमारे स्टेटमेंट वैसे भी गलत है क्योंकि ओनली रीड एड बट कैन नॉट राइट का तो बात ही नहीं होता यहाँ पे दोनों चीज आनी चाहिए अ परसन एज सेवन ईयर्स एंड अब वो कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है देन बी the ऑप्शन इज करेक्ट ओके नेक्स्ट ट्वेंटी वन पे चलते हैं ओके okay. नाइनटीन हमारे नीचे कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट एंड देयर बाय करेंसी तो हमें यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को याद रखते हुए पढ़ना है स्टेटमेंट और यहाँ पे अगर डायरेक्ट द कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से हमारा जो करेंसी का होता है अप्रिसिएशन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट जहां पे गवर्नमेंट कम स्पेंड कर रही है तो वहां पे मुझे प्राइवेट का स्पेंडिंग देखने को मिलेगा तो उस चीज को हम क्या कहते हैं तो ये होता है हमारा क्राउडिंग आउट ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नाइनटीन क्वेश्चन ओके द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर Uh, अगर आपको याद नहीं होता है तो मेरी ज्योग्राफी की क्लास देखिए वहां पे मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है ठीक है यहाँ पे क्या पूछा हमसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या याद रखते हैं स्टेट्स याद रखते हैं ठीक है थीके? लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछे कि कोस्टल के साथ ठीक है तो हमें याद करना है कि कोस्टल कितने और हमारा लैंडलॉक कितने क्वेश्चन हमारे दो है और लैंड लॉक स्टेट हमारे छह है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन लीड कर सकती है तो याद रखना पहला ही है रेपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवरवे सप्लाई जहां पे सप्लाई कम हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो तो ये हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन ंग दोइ इज और आर द ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग ठीक है तो नीति आयोग सुन के पहले ये चीज याद कर लेने की दो हजार पंद्रह में आया था ठीक है यहाँ पे तीन स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है और बताने कौन सी चीज सही है ठीक है ओके okay. सबसे पहले इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट और यूटीज नेक्स्ट स्टेटमेंट कह कलेक्शन ऑफ फंड एट नेशनल एंड द स्टेट थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेवर तो यहाँ पे हमें पता है कि ये डिजाइन करता है स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो यहाँ पे डी दिख नहीं रहा वैसे डी का था सिर्फ थ्री ठीक है ओनली थ्री और ये हमारा करेक्ट है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी फोर के the computation uh, the computation of poverty in term of monthly per capita consumption expenditure based on the mixed reference period was recommended by तो हमें पता है poverty का uh, जब हम poverty को नापते हैं ठीक है तो अगर monthly per capita की बात किसने की थी तो ये हमारे तेंदुलकर कमेटी ने बात की थी ठीक है

फॉलोइंगट्यूररी इन इंडिया ठीक है तो रिस्क के बारे में मैंने बता रहा है पॉलिटिक क्लास में कि यहाँ पे हमें पांच तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं ठीक यहाँ पे हमसे इसकी बात हो रही है ठीक है दो स्टेटमेंट और इसमें बताने है कौन सी चीज सही है करेक्ट पूछे यस पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट ज्यूडिशियली व्हिच इज वेरी करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर्स हैज एक्टेड विदाउट ज्यूडिक्शन तो ये भी हमारी सही स्टेटमेंट यानी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है थी? ंग स्ट्रेटेज इज और आर एडोप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान तो यहाँ पे हमें पोषण अभियान देखने को मिल रहा है ठीक है इसमें दो स्टेटमेंट गिवन है एंड हमें बता रहे करेक्ट ओके पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं पोषण uh, अभियान के बारे में इंटरसेक्टोरल कन्वर्जिंग कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी ये हमारा स्टेटमेंट सही है दूसरा कह रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आईसी टी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन ये भी हमारा एकदम सही है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है ट्वेंटी एट करते हैं आप वो अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच कॉल सोशल जस्टिस तो ये किसने कहा था तो ये है जस्टिस एल दत्ता जी ने कहा था ठीक है वो ऑथर ऑफ द बुक किसने लिखा है या बंदी जीवन बोल लो तो ये ये हमारा लिखा है, um, 29, और ये लिखा है और सचेंद्र नाथ सन्याल जी ने ओके इन द इलेक्शन हेल्ड इन नाइनटीन थर्टी सेवन इन विच टू प्रोविंसिस वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कौन था जो इस टाइम में इमर्ज नहीं किया था तो वो याद रखना ये था हमारा पंजाब एंड सिंध ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में हमें दो स्टेट में दे रखा और हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट ओके okay? पहले स्टेट में कह रहा है रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनरीज ऑफ वॉर इन जापानीज कैंडविच इज करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रहा है इंट्रोड्यूस अ वुमेन्स डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी तो ये चीज भी सही है ठीक है इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ठीक है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है 33. थ्री विच टू रिवर्स फ्लोज इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम पी तो यहाँ पे हमें कृष्ण एंड तुंग रिवर देखने को मिलता है थर्टी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेरा मिलिट्री फोर्स ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर को याद रखना ये आसाम पूछा और यहाँ पे अलवर के बारे में गलत लिख रखा है ठीक है तो ये हमारा सही सी इज द करेक्ट आंसर ओके अगर इसके बारे में कंफ्यूजन है तो मेरा हिस्ट्री का क्लास देख सकते हैं सी वाला ठीक है थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम तो यहाँ पे आसाम की बात हो रही है और यहाँ पे हमें अहोम डायनेस्टी देखने को मिल रहा है तो आंसर भी यही होगा द छेरा व नेम ऑफ अ क्रिकेट टीम और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ये जो नाम है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग है? तो करते हैं ठीक है तो ये करते हैं हमारे जिम्बावि जिम्बाबे से चेता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया वर इंट्रोड्यूज इन इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क में लाया गया तो वो खूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं फिर वो अमंग देंट ऑफ अल फिजिक्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू यहाँ पे हमसे नॉट पूछा और फिजिक्स का आपको पता ही होगा इन चारों ऑप्शन में से जो नहीं है वो है हमारे सी यानी हु नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी वन पे इन प्लांट सेल्स आर एन ए इज प्रेजेंट इन आर एन ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये याद रखना ये हमारा डी यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स में हमें देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म वही जो हमारा फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी टू इन ग्रासेस इन ट कैलरी मेरिस्टम इज एट तो ये हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे शायद ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी आया था ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका आंसर हमारा है ये हमें बेस ऑफ लीव्स में देखने को मिलता है ठीक है ये हमने बायोलॉजी की क्लास में कवर किया है जब हम प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहे थे जहाँ पे हमने देखा था कि मेरिस्टमेटिक होता है जो कि ग्रोथ करता है प्लांट और दूसरी साइड हमारे कुछ परमानेंट भी चीजें होती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क्स आर इन्वॉल्व इन एनिमल फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स आर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्स आर्क्स। ठीक है रिफ्लेक्स आर्क्स। ठीक है तो चलो ठीक है ये हमें है जब हम किसी चीज़ को छू रहे गर्म चीज़ को छू रहे ठीक है तो किस तरीके से हमारे सेंसर तक जाएगा ब्रेन तक और उससे हम किस तरीके से अपने आप को मोटर न्यूट्रल हमें बताएगी कि ये चीज गर्म है हाथ हटा लो ठीक है तो इसका प्रोसेस हमने सिंपल से पूछा है तो पहला स्टेटमेंट ही सही है आ, रिसेप्टर होता है देन सेंसरिंग न्यूट्रोन होता है देन रिले न्यूरॉन होता है और इसके साथ साथ, साथ स्पाइनल कॉर्ड में होता है और वहाँ से जाता है ब्रेन में फिर जाता है मोटर न्यूरॉन में और फिर जाता है इफेक्टिव ठीक है ये तो ये चीज तो देखने को भी मिलती है किचन वगैरह में जाओ कभी गर्म पतीला छूने ठीक है तो पता चल जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन तो ये तो थायरॉयड ग्लैंड सुन के याद आ जाता है आयोडीन ठीक है जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वॉटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग दायल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स तो यहाँ पे हमें लिविंग सेल्स पूछा है तो ये हमें पता है जायम क्या होता है पूरा डेड सेल्स का बना हुआ होता है लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें लिविंग सेल्स देखने को मिलता है और वो है हमारा पैर जाय ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब डायरेक्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन करते हैं ठीक है ट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सोडर एसेड टाइप फायर एक्सटिंग इसका आंसर अगर दू तो ये होता है हमारा वन सेकेंड ये हमारा सबसे पहला आंसर ही है सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्योरिक एसिड ठीक है नेक्स्ट चलते हैं द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड यूरेनियम बॉम्ब आर बेस ऑन तो ये हमारे किसके बेस पे होता है तो याद रखना ये हमारा होता है फोर्टी सिक्स और ये हमारा होता है ए यानी न्यूक्लियर फीजन एंड फ्यूजन ठीक है साउंड साउंड एंड लाइट वेव्स आर तो ये दोनों चीजें क्या होती है तो ये हमारी होती है साउंड एंड लाइट की बात हो रही है ये तो आपको देखने को भी मिलता है कंसिडर द पॉलिंग स्टेटमेंट वाई डिल्यूटिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन ठीक है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के बारे में तीन स्टेटमेंट गे बने एंड वी हैव टू फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट ओके अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा है कि एसिड मस्ट बी एड स्लोली टू वाटर तो ये सिंपल सी बात है अगर मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट पढू वाटर मस्ट बी एड स्लोली टू कंसनट्रेटेड एसिड तो हमने ये चीज़ पढ़ा है कि हम एसिड में पानी नहीं मिला सकते ठीक है एसिड में अगर धीरे धीरे पानी करके मिलाओगे तो आपको ब्लास्ट स्मोकी देखने को मिलेगा ठीक है इसलिए हम एसिड में एसिड में इसलिए हम क्या करते हैं कि वाटर में धीरे धीरे एसिड मिला रहे हैं ठीक है ये है हमारा एसिड ठीक है और यहां पे है हमारा वाटर ठीक है अगर आप एसिड में वाटर मिला रहे हो ठीक है तो आपको यहाँ पे ब्लास्ट स्मोक की चीजें देखने को मिलेगी तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता यहीं पे अगर हम वाटर में धीरे धीरे स्लोली स्लोली एसिड ऐड करेंगे तो ये हमारा काम की चीज है ठीक है तो हमें यही चीज करना चाहिए तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट काटते ही वन कट जाता है बी कट जाता है डी कट जाता है और बचा सी ठीक है अगर पहला स्टेजमेंट आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा देन सेकंड एंड थर्ड स्टेज में पढ़ के भी आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट चलते फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी एच फॉर द गिवन सबस्टार्ट तो पी एच के बारे में सुन के आपको पता ही है पी एच की हमारी टोटल वैल्यू क्या होती है जीरो से फोर्टीन तक ठीक है एंड सेवनटीन इज अ न्यूट्रल ठीक है और यहाँ पे जीरो से सेवन तक हमें एसिडिक देखने को मिलता है और यहाँ से हमें बेसिस देखने को मिलता है ठीक है अगर मैं बात करू यहा पे पीएच वैल्यू देख पी पीएच वैल्यू गिवन है ठीक है कोई बात नहीं ये भी कर लेते हैं यहाँ पे अगर डी देखें सबसे ज्यादा हमें लाइम जूस में देखने को मिलेगा देन 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 कॉफी ब्लड मिल्क ऑफ ठीक है तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर फिफ्टी फिफ्टी फोर पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रूफ फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस ठीक है तो अगर इसकी बात करूं तो आ, सबसे पहला चीज कह रहा है सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन विच इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द हीट इज फॉर वेल्डिंग ये भी हमारी चीज सही है अगर थर्माइट की बात हो रही है तो यहाँ पे वेल्डिंग की बात भी पता चल ही जाती है ठीक है एंड यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें सही मिल गए यानी ए इज द करेक्ट आंसर फिफ्टी टू पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस तो यहाँ पे एनोडाइजिंग के बारे में हमने सुना था और उसके बारे में दे रखा है कौन सी चीज गलत है ठीक है यहां पे अगर डायरेक्ट आंसर देखें तो क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स इज द एनॉय एंड ऑक्सीजन गैस इन इन्वॉल्व एंड तो ये दोनों चीज उल्टी लिखी हुई है और इसलिए हमारी गलत है ठीक है नेफ्थलिन बर्न्स विद येलोइश सूटी फ्लेम इट इज बिकॉज ये किसकी वजह से होता है तो ये याद रखना ये हमारा होता है बिकॉज ऑफ देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ठीक है Wiki told his friend विक्की टोल्ड हिस्ेंड अबाउट हिज विजिटाइलैंड बे ऑफ लेंटी एंड हाईवे बे विच कंट्री डिड विक्की विजिट तो ये कौन सी country में है वैसे तो ये ज्यादा ये सारी चीजें जो होती है एकदम या तो आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ठीक है तो अगर आपको पता है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो नहीं पता तो कोई बात नहीं छोड़ सकते थे लेकिन इसका आंसर है हमारा न्यूजीलैंड ठीक है मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली ठीक है ही विल बी विजिट दिल्ली में हमें यहाँ पे कौन सी साइट देखने को मिलती है तो ये याद रखना 56 का आंसर हो जाता है हमारा सी ये है रेड फोर्ट तो तो मीनारा टॉप ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी सेवन पे वट विल बी द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समेस्ट टूट तो यहाँ पे हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट ठीक है और इसका आंसर हमारा हो जाता है डी कानपुर प्रयागराज पटना एंड भगलपुर देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी नाइन पे चलते हैं मैच लिस्ट वन मैच करना है एंड उसके साथ हमें डे के साथ हमें मैच करना है डेट ओके तो वर्ल्ड वेटलैंड डे ये तो सबको पता है ये कब बनाते हैं तो ये हम फेब्रवरी में मनाते हैं क्यों क्योंकि फेब्रवरी का महीना होता है हमारा वेलेंटाइंस डे का ठीक है इस तरीके से हमने याद किया था तो अगर मुझे पता है कि ए का थ्री है ठीक है तो ए का थ्री यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है ये हमारे हो जाते हैं रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट चीज देखते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनता है इंटरनेशनल टाइगर डे हमारा बनता है ट्वेंटी नाइन जुलाई को ठीक है सबसे खतरनाक दिन सबसे गर्म दिन सबसे खतरनाक दिन ठीक है इंटरनेशनल टाइगर तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारा B is the correct answer, the the ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट है लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये क्वेश्चन घुमा देने वाला था जब मैं एग्जाम दे रही थी तो यहाँ पे था कि नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा झुका हुआ है ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसका आंसर है छत्तीसगढ़ तो ठीक है आप मैप में देख लेना पता चल जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज नॉट एमंग टॉप फाइव इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो केरला तो नाम सुनते ही हटा दो ये तो टॉप तो करेगी करेगी अगर यहाँ पे इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर दे रखा है एन सिटी ऑफ दिल्ली ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस तो इस टाइम में हमें आशा पारेख जी रहने को मिली थी ये uh, इस टाइम में चर्चे में थी इसलिए ये आंसर आया इसका ये आंसर है ठीक है इसके बारे में पूछ लिया गया था या पढ़ सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ठीक है पहला स्टेटमेंट कह रहा है टॉम ऑफ सेंट रिटर्न बाई गीतांजलि श्री तो ये चीज भी हमारे इस टाइम चर्चे में थी क्योंकि टॉम ऑफ सेंट सेंट के बारे में था और ये हमारी गीतांजलि ने लिखा है ठीक है तो ये आ, हमारा स्टेटमेंट सही था दूसरा स्टेटमेंट भी सही था और इसका आंसर सी था ठीक है द एथ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गणना शक्ति अ अब मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडेड रिसेंटली बिटवीन द स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड एक्सरसाइज गणना किसके बीच हुआ है तो ये हमारा इंडिया एंड उसके साथ साथ इंडोनेशिया के साथ हुआ है नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस द वेन्यू ऑफ यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है तो ये न्यूयॉर्क में है ओके okay. अब चलते हैं 65 क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बटिंग इन्फ्लेशन तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन की बात आ रही है तो गवर्नमेंट क्या चीज ज्यादा यूज रेफर करेगा या फिर यूज करेगा तो यहाँ पे अगर सी पढ़े दस्टेन डिक्रीज दिक्रीजेज इन द जनरल प्राइज लेवल इन इज कॉल्ड एज तो इसे हम क्या कहते हैं तो सिक्सटी सिक्स का हमारा आंसर होता है इसे हम कहते हैं डीफ्लेशन ओके नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटी सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे कौन सी चीज आती है इनमें से तो ये हमें पता है इसका आंसर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करे इज uh, और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ठीक है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात हो रही है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट कह रहा है करेक्टिंग रीजनल इम्बेलेंसिंग इन द एवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर तो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की सर्विसेस की बात हो रही है विच इज वेरी करेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विस तो ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड नहीं हो रहा है ठीक है तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत करते ही हमें पता चल गया या तो ए होगा या सी होगा थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं यहाँ पे हमें क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देखने को मिल रहा है ठीक है ये भी चीज हमें फैसिलिटेट हो रही है तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आ जाता है वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट चलते द अनएम्प्लॉयमेंट डेट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और द डिमांड्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये पता है ये किस चीज की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है ठीक इसका सिंपल अगर बताऊँ तो इसका मतलब है कि मान लो आपने की है बीकॉम मतलब आपने कोई स्पेशलाइज चीज में किया लेकिन आप उसको छोड़ के कोई और चीज़

वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वाम प्रोग्राम ठीक है तो स्वाम प्रोग्राम के बारे में नहीं है ठीक है अगर मुझे ये आ, नहीं भी पता है फिर भी मैं इसको ऑप्शनल के थ्रू करके देखती हूँ ठीक है चलो ठीक है ऑप्शन पढ़ते हैं ठीक है पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ये वीडियो लेक्चर है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्लासरूम लेक्चर अच्छा ठीक है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर ठीक है और डी स्टेटमेंट हमें कह रहा है स्पेशलीपेयर डेट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटिंग अगर मैं देखू तो यहाँ पे मुझे वीडियो ऑनलाइन एंड डाउनलोड की बात हो रही है तीन चीज मुझे सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्लासरूम कहाँ से आ गया क्लासरूम लेक्चर यानी ऑफलाइन की तो बात ही नहीं हो रही तो सी सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये हमारी एकदम गलत चीज लिखी हुई है नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी फोर में वो अमंग द फॉलोइंग इज गिवन

विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यू टी आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थन जोनल काउंसिल तो हमसे यहाँ पे नॉर्थन जोनल काउंसिल के बारे में पूछा है इससे पहले अगर प्रीवियस ईयर को देखूंगी मैं जब मैं आपको कराऊंगी तो वहां पर हमें साउथ जोनल काउंसिल भी देखने को मिला है ठीक है साउथ ईस्ट जोनल काउंसिल ठीक है यहाँ पे हमसे नॉर्थन पूछा है ठीक है और इसका आंसर है हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान एंड एन सिटी ऑफ दिल्ली ठीक है नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी थ्री क्वेश्चन पे विच वन अमंग द फॉलोइंग डिपार्ट डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो यहाँ पे पूछा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में नहीं आ रहा है ठीक है वो हमारी है द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन ठीक है यहाँ पे वेपन uh, भी देख के आप बता सकते थे क्योंकि ये हमारी uh, चार स्टेटमेंट से थोड़ी डिफरेंट है नेक्स्ट चलते हैं 76 पे द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशान रूलर्स इज द बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पे कुशान रूलर की बात हो रही है यहाँ पे हमें सबसे बेहतरीन चीज क्या देखने को मिल रहा है तो वही याद रहना कॉइन एंड स्कल्पचर स्कल्पचर देखने को मिल रहा है ठीक है वो अमंग द फॉलोइंग वर रेफर टू एज द थेरीज इन एशियंट इंडिया तो ये Uh, एशियन इंडिया में किसको हम बुलाते थे क्या वो रिस्पेक्टेड वुमेन थे एल्डर नन थे क्या थे तो ये याद रखने के हमारे नन इन एल्डर थे ठीक है यही पे नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी एट कर लेते हैं ओके विच अ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति सेवा समिति किसने फाउंड किया था नाम सुनते याद आ आना चाहिए ये हमें हरिदेनाथ कुंजरू ने किया था ठीक है इन एट्टी वन पे चलते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट डिल द कोया एंड कौंडर ट्राइबल कोया एंड कौंडर ट्राइबल नाम सुन के ही पता चल जाता है यह लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है डेट भी देखने को मिल रहा है थीके? यहाँ पे रंपा में ये वाली ईयर है और यहाँ पे ये वाली ईयर है चलो कोई नहीं अगर ये क्वेश्चन में कंफ्यूज होते तो छोड़ देना लेकिन अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करो तो ये हमारा रंपा रेबिलियन एटीन से लेकर एटीन तक हुआ था ठीक है नेक्स्ट चलते हैं एटी टू पे विच कंट्री वॉन्ट द फीफा वर्ल्ड कप ये तो सबको पता है FIFA world Cup किस कंट्री ने जीता है तो ये हमारी है ब्राजील द द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूडेड वन ऑफ फॉलोइंग पहला एंग्लो मराठा वॉर का जो आ, नाम दिया जाता है वो कौन सी ट्रीटी थी ठीक है तो ये याद रखना हम इसको किस नाम से बुलाते हैं तो इसको हम बुलाते हैं द ट्रीटी ऑफ सलवाई ठीक है नेम द दे बैटल इन विच किंग डिफीटेड द डच इन सेवनटीन फोर्टी वन ठीक है कौन सा बैटल जहाँ पे ट्रवन कोर को डिफीट जहां पे ट्रवन कोर किंग ने डिफीट कर दिया था डच को ठीक है तो ये था हमारा बैटल ऑफ कोला ठीक है वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ फेमस नॉवल सिटी ऑफ जॉय तो सिटी ऑफ जॉय किसने लिखा है तो ये लिखा है हमारे डोमिनिक लेपियर ने ठीक है वो अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द यू एन एनवायरमेंट प्रोग्राम 2022 ट्वेंटी टू चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इन द इंटरप्रिन कैटेगरी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये थी हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं एट्टी फिफ्थ द थीम ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंट जिसको हम बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली द वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम तो ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है ये हमने उठाया है महा उपनिषद से ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज uh, याद करना है और वो था हमारा सूर्य किरण ठीक है सारी एक्सरसाइज मैंने इंपॉर्टेंट हमारी जो डिफेंस वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने करा रखा है ठीक है एटी एट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लान प्लेट्स इन टर्म इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से होंगे तो ये होंगे हमारे जुपिटर यूरिनस नैप्टन एंड सैटन बी ठीक है नेक्स्ट चलते चलो इट्टी सेवन कर लेते हैं इफ इट इज एम एट ग्रीन विच टाइम देन वट विल बी दी डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर ये आता है तो सॉल्व करना है नहीं आता है तो छोड़ देना था लेकिन अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मुझे पता है कि फोर होगा लेकिन ये ए होगा या पी होगा तो ये याद रखना अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे उनसे क्या पूछा होगा पी पूछा होगा ज्यादा चांसेस है ना लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देन ए ही करके आते हैं और इसका आंसर हो जाता है मेरा फोर पी ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा इसका फोर ए एम चलो आगे कर लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल टाइप अगर आपको सॉइल के बारे में कन्फ्यूजन होता है कि कौन से सॉइल की कब बात होती है तो आप जोग्राफी की क्लास देख सकते हो वहां पर मैंने सारे सॉइल के साथ साथ एक ट्रिक के साथ कवर करा रखा है ठीक है इजीली होगा हर बार आपको बार बार चीजें पढ़ने नहीं पड़ेगा आप बस एक बार रीड आउट करना वॉल पे चिपका देना और दो दिन बाद पढ़ने के बाद ही आपको वो खुद ही याद हो जाता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंसिस्ट ऑफ ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन सैंड सिल्ट एंड क्ले ठीक है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंटेन्स पोर्शन ऑफ पोटैश एसिड एंड लाइट और ये तीन मुझे पे देखने को मिलता है तो ये एलुवियल सॉइल की बात हो रही है ठीक है द सेकेंड स्टेटमेंट देखते ही मुझे पता चल गया अगर यहाँ पे तीन स्टेटमेंट किसी एक स्टेटमेंट की पहचान है तो आपका आंसर पता चल जाएगा ठीक है

टर् टर्स विच स्पीस एंड टर्न जनरेटिंग आपको यह स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा होगा कि ये uh, इसी चीज़ को कर रहा है न, okay? अगर यहाँ पे सी पढ़ू वो द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेट स्टेटमेंट वन ठीक है तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है नेक्स्ट नाइनटी टू पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलिस जनरल ऑफ इंडिया तो हमने यहाँ पे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ाया और उसी के अंदर होते हैं एस जी आई ठीक है uh, SGI, और यहाँ पे पूछा इनके बारे में कौन सी चीज गलत लिखी है ठीक है कोई बात नहीं ये भी कर लेते हैं लेकिन uh, इसमें मुझे एक कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ ठीक है नाइनटी करते हैं डायरेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव में फ्रॉम द राज्यसभा कौन सी कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं ठीक है तो वो है हमारा द एस्टिट्स कमेटी नेक्स्ट चलते हैं 91 वन द इंडस रिवर बेसिन इज़ एक्सटेंडेड टू तो इंडस रिवर के बारे में है और ये कहाँ से कहां तक देखने को मिलता है तो ये हमें लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान में देखने को मिलता है ठीक है नाइंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट तो यहाँ पे uh, पॉलिटिक क्लास में प्रेजिडेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ठीक है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यूनियन मिनिस्टर शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेजिडेंट ये हमारा गलत स्टेटमेंट है यूनियन मिनिस्टर शेल बी एलिजिबल फॉर मतलब ये हमारे होते हैं एलिजिबल इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट इलेक्शन एज द प्रेजिडेंट के लिए ठीक है सिटीजनशिप एक्ट 1955 फिफ्टी फाइव डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप और आफ्टर तो ये हमें किन के बीच की बात हो रही है तो याद रखना पहली चीज तो यहाँ पे अगस्त का तो नाम आएगा ही नहीं तो ये दोनों चीज गलत है और इन दोनों में कन्फ्यूज हो भी सकते हो ठीक है लेकिन याद रखना यहाँ पे आंसर क्या होगा ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी क्यों क्योंकि क्यों यहीं पे तो हमने सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे थे ठीक है नेक्स्ट चलते अकॉर्डिंग एक मिनट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका ये दूसरा क्वेश्चन है ठीक है एग्जाम में तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था जहाँ पे हमने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आंसर किया था और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है चलो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग जो कि हमारे 2015 में हुआ था ठीक है ये भी याद रखना अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिब्राइव इफ ये किस चीज को माना जाएगा अगर वो अ सिंगल मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड Is as under uh, या दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वर्स एंडी नाइन इज बिलो एटीन पॉइंट फाइव किलोग्राम ठीक है तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट हमसे सही पूछी गई है चलो सही पूछा गया लेकिन यहाँ पे डी दिख नहीं रहा है यहाँ पे लिख देती यहाँ पे डी में था नीदर वन टू ठीक है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत थे थीके? और आंसर हमारा था डीवन नाइन एट करते हैं नेम द लोकेशन ऑफ ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिस्स्य और एटीन सेंचुरी सीई ठीक है ये कौन से इसकी बात हो रही है तो ये याद रखना है ये हमारा है फुडूमिया मलाई चुरी इंडिया वॉज दस्तक इस टाइम में दस्तक क्या था तो दस्तक से उनके याद होना चाहिए कि ये एक परमिट था और वहां पर ट्रेड परमिट की बात हो रही होगी ठीक है टाइटल ऑफ राया राया गज केसरी एंड दया गज केसरी वर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हमें कौन से डायनेस्टी से देखने को मिलते हैं तो ये होते हैं हमारे क्रिकेट हंड्रेड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एसोसिएटेड विद डी सिस्टम तो यहाँ पे आ गया डी सिस्टम और ये हमारे किस चीज से रिलेट है तो ये हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है ठीक है वन जीरो वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काना नगा हली आर्क्योलॉजिकल साइट ठीक है तो इसके बारे में तीन स्टेटमेंट गिवन है और बताना कौन सा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज सिटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर विच इज करेक्ट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रिमेन्स ऑफ काना नगर हिल स्टूपा वर्क कैन बी डेटेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी सी ये भी हमारा सही है और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पे हमें अशोका का इमेज देखने को मिला देन डी इज द करेक्ट आंसर कंसिडर दिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड टाइप टाइप के बारे में भी हमने जोग्राफी की क्लास में कवर किया था और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम पहला दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल हंडर लाइटनिंग और ये नाम सुनते पता चल जाएगा ये हमारे क्यूम्लोनिम्पस की बात हो रही है ठीक है, और, है, है और अगर मैं बोलू तो यहाँ पे आ,

तो ये हम स्कैटर ग्राफ में ही शो कर सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी गुजरात जो कि हमारी इस तरीके से होती है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है पहला स्टेटमेंट कह रहा है विशाखापटना पोर्ट इज अ लैंडलॉक हार्बर तो ये भी हमारा सही है पोटीज़ पोटीज़ ये भी सही है इज़ करेक्ट आंसर वन फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पे हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा देखने को मिला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया और इस यहाँ पे हमसे पूछे करेक्ट ओके पहला स्टेटमेंट कह रहा है एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ अलर्नर थ्रू स्कूल्स एंड अ हायर एजुकेशन सिस्टम टू गेट एक्सपोजर टू वोकेशनरी एजुकेशन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये हमारी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तो ये भी सही है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये देखना ये कह रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हमारी एनजी प्रोवाइड करेगी ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे हमारा ये कटता है और यहाँ पे बी आ जाता है आंसर ठीक है Next चलते देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 एंड 2021 हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ सेम पीरियड यहाँ पे कहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला अगर डिक्रीज देखने को मिला तो बिटवीन कौन से परसेंटेज से या? हम देख हैं ठीक है अगर मैं बोलू कि मुझे अगर इस एरिया का फॉरेस्ट निकालने की यहाँ पे कितना फॉरेस्ट कवर एरिया है तो क्या मैं एक एक ट्री को गिनने जाऊंगी नहीं मैं क्या करूंगी मैं ऊपर यहाँ पे होता है कैनोपी कैनोपी क्या होता है ये ट्री है और यहाँ पे इस तरीके से ट्री है ठीक है तो इसका जो ऊपर का पॉइंट है अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ हेलीकॉप्टर वगैरह से देख रही हूँ तो मुझे कैसा दिखेगा एरिया इस तरीके से ऊंचा तो दिखेगा ही ना तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ सिर्फ कैनोपी काउंट करती हूँ ठीक है इससे मुझे पता चल जाता है कि इस एरिया में कितने पेड़ और कितना इसका फॉरेस्ट कवर एरिया है ठीक है इसका अगर आंसर दू, तो 107 का आंसर हो जाता है बी मॉडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी बिटवीन फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट ओके वन जीरो नाइन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट इज एट द बॉटम ऑफ अ कंपोजिट एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडिया इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी नीति आयोग तो यहाँ पे सबसे कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिला है वो कौन सा है तो याद रखना ये हमारा आसाम झारखंड एंड बिहार है ठीक है वन जीरो टेन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल फिफ्टी वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे नॉट अ पार्ट पूछा है ठीक है डायरेक्ट आंसर की बात करें तो यूज ऑफ यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये आर्टिकल uh, का पार्ट नहीं है थीके? अब करते हैं वन जीरो वन हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट टू बलुडार्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलोज आर करेक्ट इसके बारे में स्टेटमेंट गिवन है एंड बताना है हमसे करेक्ट ओके पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे वर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिस्ट तो ये एकदम सही है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर एम्प्लॉयड बाई इंडिविजुअल पीसंस फैमिली तो अगर मैं बात करूँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसको रोंग करते ही मुझे मेरा आंसर मिल गया सी नेक्स्ट चलते हैं 111 क्वेश्चन वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइंट ट इन इट्स फेवरेट फेस तो यहाँ पे अगर मैं बात करू कौन नहीं थे उस टाइम में वो थे हमारे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइज रॉय वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिस्स काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन कौन थे वो पहले कौन वो वाइज रॉय थे जिन्होंने शिफ्ट uh, किया था अपना काउंसिल ऑफिशियल uh, शिफ्ट किया था काउंसिल को शिमला में बिकॉज ऑफ समर सीजन ठीक है क्योंकि समर के लिए तो वो था हमारे याद रखना लॉरेंस जी ठीक है जॉन लॉरेंस नेक्स्ट चलते हैं वो अमंग द द द द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ फेमस अबाउट लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये uh, किसके द्वारा है इसके ऑथर कौन थे तो ये थे हमारे नारायण सर्वेज वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा तो ये था राधा यूनाइटेड नेशन जनरल ऑन थ्री मार्च ट्वेंटी 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 थ्री एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसके बारे में तो सबको पता ही है नेक्स्ट चलते हैं, 17, uh, 117, मियापन वो 2022 ये ये कौन से 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 कंट्री थे 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 तो ये हमारे ठीक है वो अमंग द द वो अमंग फॉलोइंग इज़ एज पायोली एक्सप्रेस तो ये किसे कहा जाता है तो यहाँ पे आप हेमा दास एंड पीटी युषा में कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन यहाँ पे आंसर है हमारा पीटी यूषा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हमें मैच करना है अच्छा पहले हम ट्वेंटी पे हैं। हमें यहाँ पे टाइटल के साथ साथ उनके ऑथर को मैच करना है ठीक है उनकी बुक्स के साथ साथ तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ठीक है तो भूल सत्य किसने लिखा है तो भूल सत्य जो है ये हमारे लिखा है ये लिखा है मनोज कुमार गोस्वामी ठीक है तो वन का हो जाता है फोर यानी ये कट गया ये कट गया अब इन दोनों में से आंसर है ठीक है और कुमारी के शब्द ये किसने लिखा था ये बद्री नारायण जी ने लिखा है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिन अरेन्जमेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट इसके बारे में हमसे पूछा है कौन सी चीज गलत लिखी हुई है ठीक है तो अगर यहाँ पे मैं बी पढ़ू इट इज फॉर्म प्राइमरी एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवर सीर तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है यहीं पे हम अपना पहला जो हमने सी डी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एग्जाम वन का पेपर सॉल्व किया जीके एंड जी एस वाला ठीक है तो यहाँ पे हम स्टॉप uh, करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं सी डी एस एग्जाम वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों पेपर ठीक है एग्जाम वन का भी कर लेंगे एंड एग्जाम टू का भी कर लेंगे ठीक है चलो ठीक है थैंक यू